वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को शॉर्ट नोटिस देने वाले हैं। बिहार में आई हुई एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि अभी भी आई हुई है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट की ओर से अभी जो है हाईकोर्ट में रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि PA के लिए है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। इसमें दोस्तों आप लोग का जो 131 आप लोग का इसमें पोस्ट रहेंगे, यानी पद रहेंगे PA के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो कौन कौन लोग इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने BA कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। BA, BSc, BCom जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 22/5/2019 से। आज 21/5 है, यानी कल से आप लोग जो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 22/5 से लेके 11/6 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग ग्रेजुएशन होने चाहेंगे और साथ ही साथ जो आप लोग के पास जो है इंग्लिश का शॉर्ट हैंड का जो नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का जो है इंग्लिश का टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, ये जो नोटिस जारी किया गया है ये ऑफिशियल नोटिस है आप लोग का। ये नोटिस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आप लोग का एज लिमिट रखा गया है वो 21 साल से लेके 35 साल तक अगर आप लोग है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है जनरल OBC वालों के लिए जो यहाँ पे 700 रुपये रखा गया है, और साथ ही साथ जो है SC ST होंगे उनके जो लिए यहाँ पे 350 रुपये रखे गए हैं। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को जो यहाँ पे 175 रुपये पे करना होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास है, साथ ही साथ इंग्लिश का आप लोग का शॉर्ट हैंड का नॉलेज है, साथ ही साथ टाइपिंग का भी आप लोग का जो है नॉलेज है, तो फिर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे 22/5/2019 से। ये छोटी सी अपडेट थी आप लोग के लिए। कल कोशिश करेंगे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके बताने का। इस वीडियो में इतना ही नोटिस देना था। आशा करूँगा पसंद आया वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा इसी प्रकार जानकारी पाने के लिए।